गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए हमारे साथ नाश्ता कर लीजिए। नाश्ते में मैं सैंडविच बना रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा यम्मी और टेस्टी बनता है। घर की चटनी से बना रही हूँ मैं, और हस्बैंड बन लेके आए थे, बन से ही मैं यहाँ सैंडविच तैयार कर रही हूँ, और बेटी के टिफ़िन के लिए और हस्बैंड के नाश्ते के लिए। मैं भी इसमें से एक ट्राई करूँगी और मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। उसके बाद मैं बनाने वाली हूँ पालक पनीर। शाम को ही धो के साफ़ करके रख लिया था मैंने, और सुबह मैं इसको उबालने के लिए रख रही हूँ। हस्बैंड को जल्दी जाना है इसलिए वो नाश्ता करके चले जाएंगे, तो पालक पनीर की सब्ज़ी जो है उनको शाम को ही मिलने वाली है, क्योंकि मैं अभी नहीं बना पाऊँगी, उनको जल्दी जाना है। ठंडा होने के लिए रख दिया था उबलने के बाद मैंने यहाँ पे, आधा घंटा ठंडा हुआ था, क्योंकि गरम हम नहीं पीसेंगे, क्योंकि पीसने के बाद जो मिक्सर ग्राइंडर होता है वो काफ़ी गर्म हो जाता है। उसके बाद मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया है, उसी ग्राइंडर में मैंने यहाँ पे मसाला तैयार कर लिया है। मसाले में एक प्याज और दो टमाटर, 4-5 कलियाँ लहसुन की, 2 मिर्ची को मैंने बारीक पेस्ट बना लिया है। और पेस्ट बनाने के बाद पनीर को कट कर लूँगी। पनीर को मैं मीडियम ही साइज़ में काटूँगी, क्योंकि ज़्यादा बड़ा साइज़ में नहीं काटूँगी, बड़ा बड़ा अच्छा नहीं लगता है। और मसाला तैयार कर रही हूँ तो धनिया मैं लेके आई थी मार्केट से, पीसने का टाइम नहीं मिला, तो यहाँ धनिया पाउडर बनाऊँगी। थोड़ा सा कढ़ाई में गरम करके उसको अदरक वाली कूटने में मैं कूट के धनिया पाउडर तैयार कर लूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ सरसों का तेल ऐड किया है गरम होने के बाद कढ़ाई को। सरसों का तेल आप ज़्यादा डाल सकते हैं अपने स्वाद के हिसाब से, पर मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि जब सब्ज़ी बन जाती है उसके ऊपर से जो तेल तैरता रहता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और मैं यहाँ पे थोड़ा हल्का फ्राई कर लूँगी पनीर को, और एक बर्तन में निकाल लूँगी, ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं। हल्का सा फ्राई करूँगी, सॉफ्ट रहेंगे, क्योंकि कच्चा पनीर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और फ्राई करने के बाद सब्ज़ी का टेस्ट चेंज हो जाता है। और तड़के के लिए मैंने यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ। जीरा डालने के बाद, इसके बाद उसमें कुछ भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि सारे मसाले मैंने पीस लिए थे, और टमाटर और प्याज की जो प्यूरी थी उसी को ही मैं ऐड करूँगी। जीरा अच्छे से तड़क जाएगा, तड़कने के बाद यहाँ पे मैं टमाटर और प्याज की जो प्यूरी है उसको ऐड कर दूँगी, और डालने के बाद हम इसको पकाएंगे 2-3 मिनट तक। उसके बाद हम मसाले डालेंगे इसके अंदर। मैंने इसको अलग अलग पीस के भी ट्राई किया है, पर स्वाद वही आता है, तो इसलिए फिर मैंने अलग अलग नहीं पीसा है, क्योंकि एक प्याज को और दो टमाटर को अलग अलग क्या पीसना, मैंने एक साथ ही पीस लिया था। मसाले में हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा पनीर मसाला, MDH का पनीर मसाला आता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। किसी भी सब्ज़ी में आप थोड़ा सा भी आधा चम्मच डाल देते हैं सब्ज़ी बनने के बाद, तो सब्ज़ी का टेस्ट ना बहुत ही यम्मी और बिल्कुल अच्छा सा आ जाता है, उसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो ये जो लास्ट में मैंने डाला है ये पनीर मसाला है। डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे और 2-3 मिनट ढक के पका लेंगे, जब तक इसका तेल अलग हो जाएगा। देख सकते हैं तेल अलग हो गया है। अब इसके अंदर हम पनीर और जो हमने पीस के रखा हुआ है पालक, उसको हम इसको डाल देंगे इसके अंदर, और 1 मिनट तक हम ऐसे ही इसको भून लेंगे। और अपने हिसाब से आप इसमें पानी डाल सकते हैं। मेरी बेटी को ना ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो चाहे आलू की सब्ज़ी हो, चाहे वो कोई भी पनीर की सब्ज़ी होती है, तो उसे मटर पनीर के से ज़्यादा उसकी जो सब्ज़ी की ग्रेवी होती है ना, वो उसको पसंद होता है। रोटी से, चावल से, परांठे से खाना पसंद करती है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ पे पानी थोड़ा ज़्यादा ऐड करूँगी। थोड़ा सा पनीर पालक की जो प्यूरी है वो बचा लूँगी, ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि फिर 2-3 दिन तक रख के खाओ वो अच्छा नहीं लगता है। मैं इसके परांठे बनाऊँगी सुबह सुबह, मैं पालक के पराठे बनाऊंगी, तो आटे में मिला के बनाऊंगी, इसलिए थोड़ा सा आधा कटोरी मैंने बचा के रख लिया है सुबह नाश्ते के लिए। और उसके बाद हाथ के हाथ ही मैं काउंटर टॉप को साफ़ कर लूँगी। वैसे किचन साफ़ है, ज़्यादा गंदी नहीं है, तो फ़िलहाल मैं अभी इतना ही साफ़ कर लूँगी। उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी जब थोड़ा सा गंदा होगा। और मैंने यहाँ पर गर्म करके पानी डाला है, ठंडा पानी डालते ही फिर दोबारा से कढ़ाई ठंडी हो जाती है, और पकने में उबलने में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने दूसरी गैस पर पानी रखा हुआ था, और मैं इतना पानी डाल के इसको 5-10 मिनट के लिए अच्छी गैस पे, फुल गैस पे इसको उबलने दूंगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पालक पनीर बनके तैयार हो चुकी है, और काफ़ी अच्छा बिल्कुल कढ़ी की तरह पक गई है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा मैं यहाँ पे
जो कच्चा पनीर होता है ना कद्दूकस करके, वो मैं डाल दूंगी। इससे बहुत अच्छा ऐसा क्रीमी जो फ्लेवर है ना वो आ जाता है, मुझे अच्छा लगता है। आपको आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सीजन की फर्स्ट पालक पनीर बनके तैयार हो गई है इस सर्दी की, क्योंकि जैसे ही मुझे पालक अच्छा लगा, मार्केट गई थी मैं और मुझे वहाँ पे पालक जो है ना बहुत ही फ्रेश और ताज़ा मिल रहे थे, तो मैं लेके आ गई थी और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अलग बर्तन में मैं निकाल लूँगी, कढ़ाई को खाली कर लूँगी और सभी बर्तनों को खाली करके मैं मांज लूँगी और काउंटर टॉप वगैरह भी साफ़ करूँगी। दूध रख दूंगी गैस पे गरम होने के लिए, और गैस चूल्हा जो है वो तो मैंने साफ़ कर लिया है, पर एक गैस पे मैं दूध रखूंगी गरम होने के लिए, दूध नहीं गरम कर पाई थी। और दूसरी साइड में जो है मैं यहाँ पे एक घिया रखा हुआ है, उसको मैं साफ़ करके छील के काट के उबलने के लिए रखूँगी। तो यहाँ पर जीरा ख़त्म हो गया था मसालदानी में, मैं जीरा ऐड कर रही थी, जीरा डाल रही थी। और दूसरी साइड में दाल का डिब्बा खाली हो गया था, मैं उसमें दाल डालूंगी। डिब्बा जो है मैंने धो के रख लिया था पहले से ही। और इतना सब कुछ करने के बाद मैं जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि फिर नहा के आने के बाद बहुत ज़ोर से भूख लग जाती है और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। घिया काफ़ी सॉफ्ट और मुलायम कच्चा था, तो मैंने सोचा सब्ज़ी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लास्ट सीजन जा रहा है और मैं लास्ट टाइम घिये का रायता बनाऊँगी, क्योंकि घिये का रायता जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। तो वैसे मौसम ठंडा शुरू हो गया है, फिर भी मैं लास्ट टाइम है इसलिए मैं बस फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, क्योंकि घिया जो है ना वो ठंडा होता है। तो उबलने के लिए रख दूँगी, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, और नहाने के बाद मैं आके लंच अपने लिए तैयार करूँगी। सब्ज़ी तो बन गई है ऑलमोस्ट, रोटियाँ बना के और फिर मैं खाऊँगी, क्योंकि नहाने के आने के बाद ना बहुत ज़ोर से भूख लगती है। मैं नहा के आ गई हूँ और मैंने सर धोया है, और काफ़ी गंदा सा हो रहा था क्योंकि दिवाली आ रही है, पास में ही आ गई है। तो एडवांस में मैं आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, और सभी जो छोटे जो भी त्यौहार आ रहे हैं, सभी त्यौहारों की मैं भैया दूज आ रहा है, गोवर्धन पूजा आ रही है, सभी त्यौहारों को एडवांस में मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और सभी की शुभकामनाएँ। तो यहाँ पे मैंने सर धो लिया था, दिवाली की धीरे धीरे सफाई भी चल रही है और सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि कोई ना कोई कोना मैं साफ़ करती रहती हूँ, तो बाल काफ़ी गंदे हो गए थे। तो मैंने यहाँ हेयर वॉश कर लिया है और 4-5 रोटियाँ सेकूँगी, बाकी सारी रोटियाँ नहीं सेकूँगी। जब बेटी आएगी उस स्कूल से तब मैं सेकूँगी, अभी मेरे को बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, तो मैं अपने लिए रोटियाँ सेक के अब मैं खाना खाऊँगी। रोटियाँ सेक गई हैं, उसमें हमने लगाया है गर्मा गर्म घी, और थाली मेरी है दो या तीन रोटियां और पालक पनीर, और सैलेड में टमाटर और खीरा संजोग से है, नहीं तो कई बार नहीं हो पाता है, और उधर गाजर का अचार। तो चलिए लंच कर लेते हैं मेरे साथ, आप लोग भी लंच कर लीजिए, खाना बहुत ही टेस्टी बना था। खाना खाने के बाद मैं गैस और काउंटर टॉप को साफ़ करूंगी, क्योंकि ज़्यादा गंदा नहीं था, बिस्तर थोड़ा सा ही गंदा था। गैस और काउंटर टॉप साफ़ करके सारी चीज़ों को अपनी जगह पे रख दूंगी। और साफ़ सुथरी किचन तो सच में बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, गंदी रहती है तो एक नेगेटिव थॉट आते रहते हैं मन में। और घिया उबल गया था तो वो ठंडा भी हो गया था, उस गिलास की सहायता से मैं अच्छे से बारीक मैश कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं रायता बनाना स्टार्ट करूँगी। और इधर जीरा जो है ना वो ख़त्म हो गया था, पीस के रखा था मैंने, वो ख़त्म हो गया था, तो थोड़ा सा जीरा मैं ज़्यादा ही पीस के रखूँगी। कई बार हमें ज़रूरत होती है तो फिर एंड मौके पे हम पीस नहीं पाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पीस के रख लेती हूँ।
इधर सब्जी बन गई है, रायता तैयार हो गया है, दूध भी गर्म हो गया है और मैंने लंच भी कर लिया है। थोड़ा सा आराम करूँगी, शाम का टाइम हो गया है और फिर उसके बाद आई थिंक शाम का जो काम है ना मेरा कम हो गया है, क्योंकि सारे काम जो शाम के होते हैं मैंने अभी दोपहर में ही कर लिए हैं। क्योंकि शाम को खाना भी नहीं बनाना है, सिर्फ रोटियां सेकनी है। हस्बैंड आ जाते हैं 6 या 7 बजे आ जाते हैं, बाहर का खाना नहीं खाते हैं वो, तो घर में ही खाते हैं, तो इसलिए आते ही मुझे उनके लिए गर्मा गर्म रोटियाँ सेकनी होती है। वो बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते हैं, हाथ पैर धोते हैं, बस खाना मांगते हैं। तो इधर हस्बैंड आ गए थे और मैंने बोला उनसे कि क्या लाए हो मेरे लिए, तो बोले केला और आइसक्रीम लेके आया हूँ, क्योंकि मेरे दांत में दर्द है थोड़ा सा, तो इसलिए आइसक्रीम लेके आए थे। और फर्स्ट टाइम उनको कैमरे में ले रही हूँ, मैंने कहा मेरे फ्रेंड्स से नमस्ते तो कर दीजिए, हाय हेलो कर दीजिए, तो वो आप सभी से नमस्ते कर रहे थे और वो हंसने लगे थे। तो बस यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आप सभी को मेरी तरफ़ से हैप्पी दिवाली, और मिलती हूँ एक और अच्छे से न्यू ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए।